JLR जिसे टाटा ओन करते हैं वो दो ब्रांड से मिलकर बना है, एक है जैगवार और दूसरी है लैंड रोवर। और लग्जरी कार सेगमेंट के हिसाब से बात करें तो JLR इस वक्त पूरी दुनिया में ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम JLR की सेल्स को डीकोड करें तो पता लगता है कि JLR की टोटल सेल्स का 75-80% लैंड रोवर से आता है और इस ब्रांड की टोटल सेल्स में जैगवार का योगदान सिर्फ 20-25% ही है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि ये 20-25% कॉन्ट्रीब्यूशन भी नंबर्स में कितना कम है? 2021 में जैगवार ने पूरे US के अंदर सिर्फ 18,000 गाड़ियाँ बेची थी, और अगर इसका कंपैरिजन अगर हम BMW से करें तो उन्होंने 336,000 गाड़ियाँ बेची थी वहाँ पर। और ये दोनों ही ब्रांड्स एक जैसे प्राइस ब्रैकेट पर ही गाड़ियाँ लॉन्च करते हैं, और US इन दोनों ही ब्रांड्स के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। अब ये सिचुएशन सिर्फ US के साथ ही नहीं है, बल्कि इंडिया में भी हमें ये देखने को मिलता है कि आज की डेट में इंडिया की सड़कों पर जैगवार की गाड़ियों को देखना बहुत ही ज़्यादा रेयर साइट है। JLR के CEO थियरी बोलोर ने मार्च 2021 में पब्लिकली ये बात एडमिट करी थी कि रिलायबिलिटी और क्वालिटी इश्यूज के कारण हर साल JLR की 1,00,000 से भी ज्यादा गाड़ियां कम सेल होती हैं। अब इन्हीं रिलायबिलिटी इश्यूज को लेकर मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाई थी। अब उस वीडियो से ये तो समझ में आता है कि JLR ग्रुप के रिलायबिलिटी इश्यूज की वजह से उनकी सेल्स पर कैसा असर पड़ता है, लेकिन जैगवार का अकेले इतने ज्यादा पीछे छूट जाना वो कुछ और भी बताता है। क्योंकि अगर JD पावर की रिपोर्ट्स को देखें जो हर साल व्हीकल डिपेंडेबिलिटी सर्वे कराती है, तो उनके पिछले 5 साल के डिपेंडेबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट्स बताती हैं कि जैगवार इज मोर रिलायबल देन लैंड रोवर, और उनके चार्ट में हर साल जैगवार लैंड रोवर से 3-5 रैंक ऊपर ही रहती है। अब अगर रिलायबिलिटी ही अकेला इशू नहीं है तो जैगवार आखिर कॉम्पिटिशन से और अपनी सिस्टर कंपनी से इतना ज़्यादा क्यों पिछड़ रही है? अब इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे जैगवार की वो हिस्ट्री जिसकी वजह से उस ब्रांड की पूरी इमेज हैम्पर हुई, और कैसे SUVs का जैगवार में लेट शामिल होना, ब्रिटेन का EU से अलग होना और चिप शॉर्टेज होना जैगवार के लिए मुसीबत बना। लेकिन उससे पहले हम जैगवार की थोड़ी सी टाइमलाइन समझेंगे। एज ए कार मैन्युफैक्चरर जैगवार की कहानी शुरू हुई थी 1935 में, जब उन्होंने SS जैगवार के नाम से अपनी पहली कार लॉन्च करी थी। ये एक 2.5 लीटर इंजन वाली स्पोर्ट्स सेडान थी, और इस मॉडल की सक्सेस के बाद 1937 में 3.5 लीटर इंजन वाली SS जैगवार 100 नाम से एक और गाड़ी आई जो कि एक 2-सीटर स्पोर्ट्स कार थी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू 1948 से 1966 तक जैगवार ने XK120, XK140, XK150 और ई टाइप जैसी ट्रेंड सेटिंग कार्स लॉन्च करी। स्पोर्ट्स कार्स के अलावा जैगवार ने एलिगेंटली स्टाइल लग्जरी सेडान्स में भी अपनी एक्सीलेंस हासिल कर ली। जैगवार की लग्जरी सेडान्स अपने सेगमेंट में अपनी बहुत ही अच्छी वैल्यूज, कंफर्टेबल राइड, गुड हैंडलिंग और हाई परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी। जैगवार अब तक लग्जरी एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पोर्ट्स एंड सेडान कार्स बेचकर प्रॉफिटेबल एंड फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी बन चुकी थी, जो कि US में भी काफी अच्छा कर रही थी। लेकिन 1966 में जैगवार को ब्रिटिश लेलैंड ने एक्वायर किया, एंड एक्चुअली जैगवार के बुरे दिन यहीं से चालू हो गए थे, क्योंकि यही एक पॉइंट था जिसकी वजह से लोगों के मन में जैगवार और लैंड रोवर को लेकर विश्वास काफी कम हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश लेलैंड के अंडर इन कार्स की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा गिर गई थी। और इसी चलते जैगवार जो 1966 में एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ ब्रिटिश लेलैंड का पार्ट बनी थी, वो 1984 में नेगेटिव कैश फ्लो के साथ बाहर निकली, जिसके पास कोई भी न्यू एज मॉडल नहीं था। एंड एक्चुअली ये कहानी उन सभी कंपनी के साथ थी जो इस बाहर जैसे कॉन्ग्लोमरेट का पार्ट थी। अब क्योंकि जैगवार नुकसान में थी और एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन चुकी थी, इस चलते 1989 में फोर्ड ने जैगवार को एक्वायर कर लिया, जिसके लिए उन्होंने $2.5 बिलियन पे करे। और इसके बाद सन 2000 में फोर्ड ने लैंड रोवर को भी एक्वायर कर लिया। फोर्ड ने उस टाइम जैगवार में पैसे तो खूब इन्वेस्ट करे, लेकिन लग्जरी कार मार्केट में एक्सपर्टीज ना होने के बावजूद भी उन्होंने जैगवार के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में इंटरवीन करा, जिसकी वजह से जैगवार और लैंड रोवर दोनों ही ब्रांड्स की रिलायबिलिटी काफी ज्यादा खराब हो गई। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे फोर्ड ने जैगवार और लैंड रोवर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। अब जब फोर्ड अपनी गलतियों के चलते इनसे प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी, तो उन्होंने 2008 में इन दोनों ब्रांड्स को टाटा मोटर्स को बेच दिया। टाटा मोटर्स से जून 2008 में $2.3 बिलियन की वैल्यूएशन पर जैगवार और लैंड रोवर को एक्वायर किया। एक्चुअली ये वैल्यूएशन उस वैल्यूएशन से भी कम थी जिस पर फोर्ड ने इससे 20 साल पहले इन कंपनीज को एक्वायर करा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब थी। और अगले ही साल यानी कि 2009 में इन दोनों ब्रांड्स का कंबाइन लॉस था £375 मिलियन। टाटा ने इन दोनों ब्रांड्स के हालातों को ठीक करने के लिए बहुत सारे काम करे, और उन्होंने सबसे पहले ये डिसाइड करा कि वो इन दोनों ब्रांड्स को इनके पैरों पर खड़ा करेंगे। और 2009 में टाटा ने KPMG और RBS कंसल्टेंट्स को हायर करा ताकि इन दोनों ब्रांड्स का कैश मैनेज किया जा सके, क्योंकि इन दोनों ब्रांड्स के पास कोई भी कैश मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। और इसी चलते इन दोनों ब्रांड्स का नेक्स्ट कुछ मंथ्स में R2R बेसिस पर कैश मैनेज होना शुरू हो गया। JLR एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, इसलिए टाटा मोटर्स ने इसमें अगले 3-4 साल की प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड्स को फंड करने के लिए $1-1.5 बिलियन कैश इन्फ्यूज करे। और इन्हीं बातों के चलते JLR ने सिर्फ 2010 में ही £51.4 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया।
2013 तक जैगुआर और लैंड रोवर दोनों ही ब्रांड्स अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे, और अब टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर दोनों को मिलाकर JLR नाम से अपनी एक नई सब्सिडियरी बनाई, ताकि JLR अपने फाइनेंशियल्स मैनेज करने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो और एक सेपरेट कंपनी की तरह प्रॉफिटेबिलिटी को टारगेट कर सके। टाटा के अंडर आने पर जैगुआर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया और फ्यूल एफिशिएंट और कंटेम्प्रेरी मॉडल्स को लॉन्च किया गया, जिसमें जैगुआर XJ और न्यू मॉडल जैगुआर XF जैसी सेडान्स शामिल थी और जैगुआर F-Pace एंड E-Pace जैसी SUVs भी शामिल थी। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप में से सिर्फ 13% लोग ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैगुआर वैसे तो लगातार ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रही थी, और 2018 तक JLR ने टाटा को हर साल ऑन एन एवरेज 1.8 बिलियन पाउंड्स का प्रॉफिट भी दिया। लेकिन आज जैगुआर दोबारा से स्ट्रगल कर रही है, और 2019 में JLR ने 3.63 बिलियन पाउंड्स का मैसिव लॉस शो किया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि टाटा के अंडर JLR अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कामयाब तो हुए थे, लेकिन वो एक को नहीं कर पाए थे। सी, टाटा मोटर्स ने JLR के बिजनेस स्ट्रक्चर को ठीक करने में मदद करी थी। उन्होंने उन्हें वो फंड्स प्रोवाइड करे थे जो उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज को ठीक करने के लिए, उनको नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए और उनकी बाकी दिक्कतों को दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे। लेकिन टाटा मोटर्स ने जहाँ हाथ नहीं डाला वो थी उनकी R&D, एंड ऑब्वियसली टाटा मोटर्स एक लग्जरी कार बनाने के बारे में जानते ही क्या थे, और ये जिम्मेदारी JLR के खुद के कंधों पर थी। और JLR ऐसा कई सालों से करते भी आ रहे थे। खैर, फोर्ड के एक्विजिशन वाले पास्ट के चलते और अपनी खुद की इंटरनल इश्यूज के चलते JLR अभी भी मार्केट में रिलायबिलिटी के मामले में थोड़े पीछे दिखाई देते हैं। और हमें रिसेंटली ये भी देखने को मिल रहा है कि JLR की सेल्स 2019 के बाद से कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही हैं। लेकिन झटके से गिरने वाली इस सेल्स के पीछे से रिलायबिलिटी इशू होना एक कारण नहीं है, एंड एक्चुअली घटती सेल्स के पीछे भी एक ट्विस्ट है। जहां एक तरफ फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2022 तक जैगुआर की सेल्स हद से ज्यादा नीचे गिर गई हैं, वहीं ये देखने को मिलता है कि 2020 के कंपैरिजन में 2021 में लैंड रोवर की सेल्स 3.4% बड़ी हैं। और ये सब इस बात के बावजूद कि वॉट कार की रिलायबिलिटी रैंकिंग में जैगुआर मर्सिडीज से भी ऊपर आ रही थी, वहीं लैंड रोवर 30 में से 29वें नंबर पर आती है। और JD पावर के पिछले 3 से 4 साल के डिपेंडेबिलिटी रिपोर्ट में जैगुआर लैंड रोवर से काफी अच्छा कर रही है। और ये बातें दिखाती हैं कि रिलायबिलिटी अकेला इशू नहीं है जैगुआर के पीछे रहने का, बल्कि एक और है जिसे बोला जाता है SUV। हम सब जानते हैं कि 21st सेंचुरी में SUVs की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि 2011 से 2019 के बीच ग्लोबल SUVs की सेल 17% से बढ़कर 40% को भी क्रॉस कर गई हैं। आज की डेट में US में बिकने वाली हर नई कार 80% ट्रक या SUVs कैटेगरी में ही आती है, और SUVs 2015 में ही सेडान को पीछे छोड़ते हुए यूरोप की बेस्ट सेलिंग कार सेगमेंट बन गई थी। जैगुआर को हमेशा एक स्पोर्ट्स कार और सेडान्स बनाने वाली कंपनी के रूप में देखा गया है, और जैगुआर को हमेशा से ही BMW के साथ कंपैरिजन में रखा जाता है। लेकिन जैगुआर के पास कभी भी BMW के प्रॉपर राइवल प्रोडक्ट्स नहीं थे, यानी कि SUVs। और इसका सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है JLR के इन दोनों ब्रांड्स को पोजीशन करने के तरीके से। जहां एक तरफ JLR ने जैगुआर को एक सेडान एक्सक्लूसिव ब्रांड के रूप में पोजीशन करा, वहीं उन्होंने लैंड रोवर को एक SUV एक्सक्लूसिव ब्रांड के रूप में। लेकिन बढ़ते SUV से क्रेज के चलते, जहां एक तरफ लैंड रोवर टाटा के एक्विजिशन के बाद से अमेरिका के अंदर 80 से 90 हजार सेल्स सालाना स्कोर कर रही है, वहीं जैगुआर के लिए आज की डेट में 18 हजार तक भी पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। अब चलो, लैंड रोवर तो एक SUV ओरिएंटेड ब्रांड है तो ये समझ में आता है, लेकिन अगर हम इसे BMW के एग्जाम्पल से भी समझें तो रिजल्ट्स कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। अगर हम इस चार्ट को देखें तो साफ पता लगता है कि BMW की SUVs की सेल्स सेम सीरीज की सेडान्स के मुकाबले ज्यादा है। SUVs की डिमांड को बढ़ता देख जैगुआर ने भी SUVs में अपने हाथ आजमाने की कोशिश करी थी, और 2017 और 18 के बीच दो पेट्रोल और एक इलेक्ट्रिक SUVs भी लॉन्च करी थी। और ये गाड़ियां लुक से लेकर परफॉर्मेंस तक हर सेगमेंट में काफी अच्छी मानी जाती हैं, और ये जैगुआर के लिए काफी कामयाब भी साबित हुई। लेकिन नथिंग इन कंपैरिजन विद ब्रांड्स लाइक BMW। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि BMW एक अर्ली मूवर रहे हैं SUVs के स्पेस में। उन्होंने 2002 में ही अपनी X3 लॉन्च कर दी थी, और उनकी X5 1999 में ही आ गई थी। एंड आयरोनिकली ये माना जाता है कि BMW ने SUVs बनाने का तरीका लैंड रोवर से सीखा था, और बाद में उस कंपनी को फोर्ड को बेच दिया था। खैर, अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि जैगुआर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत रिलायबिलिटी और SUVs की कमी के अलावा भी कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से जैगुआर पर, या पूरा बोले तो JLR पर प्रॉब्लम्स आई हैं। जैसे जब 2015 में Volkswagen का इमिशन स्कैम सामने आया था, तो यूरोपियन यूनियन ने सभी डीजल इंजन वाले व्हीकल्स पर टैक्स लगा दिया था, ताकि सभी कार मेकर्स जल्दी से जल्दी EVs की तरफ शिफ्ट हो जाएं। इसी बीच लंदन के मेयर ने 4 साल या उनसे पुराने डीजल व्हीकल्स पर चार्जेस इम्पोज कर दिए, और JLR के 45% व्हीकल्स में डीजल इंजन लगे हुए थे। और यूरोपियन यूनियन के इन रूल्स के कारण डीजल व्हीकल्स की सेल में काफी ज्यादा कमी आई, जिसकी वजह से जैगुआर को सेल्स में डिप देखना पड़ा।
2018 में यूके ने भी अपने यहाँ डीजल इंजन पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दिए, जिसके कारण यूके में जैगुआर की सेल्स 26% तक डाउन चली गई, क्योंकि यूके में जेएलआर के 90% व्हीकल्स में डीजल इंजन लगे हुए थे। और इसी बीच 2018 में यूके की पार्लियामेंट में यूरोपियन यूनियन विड्रॉल एक्ट भी पास हो गया, जिसकी वजह से जैगुआर की मुसीबतें और थोड़ी बढ़ गईं। अब जैगुआर का ओरिजिन यूके में था और इसकी प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग भी यूके में ही होती है, लेकिन 40% रॉ मटेरियल यूरोपियन यूनियन से आते हैं। और जब 2020 में यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए एंड अदर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने जेएलआर के व्हीकल्स पर टैरिफ भी इंक्रीज कर दिए एंड अल्टीमेटली जेएलआर व्हीकल्स के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, जिससे जेएलआर की सेल्स में और कमी देखने को मिली। इन बातों के अलावा 2020 में कोविड-19 के कारण पूरी सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो गई, जिसके बाद जैगुआर की सेल्स वापस से ऊपर आ ही नहीं पाई। इसके अलावा एक और इवेंट हुआ था जिसने जैगुआर की सेल्स को हैम्पर करा है, जैसे कि 2018 में जैगुआर ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी आई-पेस लॉन्च करी थी और ये गाड़ी काफ़ी सक्सेसफुल भी साबित हो रही थी, लेकिन चिप शॉर्टेज के कारण ये कार भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक बात क्लियर होती है, और वो ये कि जैगुआर के पीछे छूट जाने के पीछे कई पास के इंटरनल फैसले, एक्सटर्नल सिनेरियोस और मार्केट ट्रेंड चेंजेस शामिल हैं। लेकिन आज भी मेरे हिसाब से जैगुआर बहुत ही बेहतरीन कार बनाते हैं। आज की डेट में जैगुआर के पीछे छूट जाने को हम जैगुआर की कार की क्वालिटी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आज भी अगर हम देखें तो जैगुआर बहुत ही अच्छी कार बना रहे हैं, और जैसा मेरी इस वीडियो से हिंट मिलता है कि जैगुआर की रिलायबिलिटी पहले से सुधरी भी है। आगे की बात करें तो जेएलआर ने अनाउंस किया है कि 2025 तक जैगुआर को वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कार ब्रांड बनाने वाले हैं, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि वो ऐसा करने में कामयाब रहेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विद द बेल आइकन। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने जैगुआर के बारे में विचार ज़रूर छोड़िए। थैंक यू।